कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए बद्रीनाथ विधायक। चुनाव का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। भंडारी ने रविवार को अचानक से कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और पौड़ी से लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी की मौजूदगी में राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी की सदस्यता ली। बद्रीनाथ सीट से यूं अचानक झटका देने के बाद गढ़वाल प्रत्याशी गणेश गुदियाल की मुसीबतें भी पड़ गई है, क्योंकि बद्रीनाथ भी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और एक एक कर नेता पार्टी छोड़कर जाने लगे हैं। वहीं शनिवार को ही चुनाव आयुक्त ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया और ऐलान के बाद कांग्रेस नेता पार्टी को मजबूत करने के बजाय पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद बद्रीनाथ विधायक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व एवं उनकी गरीब कल्याण नीतियों में काफी प्रभावित हूँ। उनके नेतृत्व में पूरे देश में विकास की विरल यात्रा चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित उत्तराखंड और 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है उसमें मैं अपना संपूर्ण योगदान देना चाहता हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये समय उत्तराखंड का है, ये सभी भारत की सदी है, ये सभी भारत की सदी है। इसलिए मैंने एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है और मैं आज इस परिवार में विधिवत शामिल हुआ हूँ। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने देश के विकास के प्रति समर्पित इस भाजपा परिवार में शामिल कर मुझे राष्ट्र का अवसर, राष्ट्र सेवा का अवसर देने का मौका दिया। मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस परिवार में शामिल होकर देवभूमि उत्तराखंड का और देश की सेवा का अवसर प्रदान किया। मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उत्तराखंड के विकास के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए और जन जन की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम करूंगा और भाजपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की मजबूत के लिए काम करने के हितों से तत्पर रहूंगा। मैं पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से, जो हमारे आदरणीय अनिल बलूनी जी को प्रत्याशी बनाया गया है, विश्वास दिलाता हूँ कि रात दिन काम करूंगा और एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति को पौड़ी लोकसभा में टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से राजेंद्र भंडारी 2022 में विधायक चुने गए और बड़ी बात यह है कि राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र भट्ट को हराया था, जो कि इस वक्त उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं। यानी 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान जहां राजेंद्र भंडारी और महेंद्र भट्ट के बीच विधानसभा में चुनावी मुकाबला देखने को मिला, वहीं अब दोनों लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन चिंता की बात गणेश गुदियाल के लिए है, क्योंकि उनकी ही सीट पर कांग्रेस के नेता एक के बाद एक पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और पिछले 2 लोकसभा चुनाव से उत्तराखंड में 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। तो इस बार देखना ये है कि कांग्रेस बीजेपी के विजय रथ को रोक पाती है या फिर इस बार भी प्रदेश में कमल खिलता नजर आएगा। बहरहाल दोनों पार्टियां चुनाव की तैयारी में जोरों शोरों से जुट चुकी हैं। बद्रीनाथ से कमल नयन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।